नमस्ते, मैं हूँ सुमिता। पिछली क्लास में हमने पढ़ लिया था विशेषताओं की पहचान, पहला पॉइंट था, और दूसरा था जगत में व्यक्ति का स्थान, और तीसरा पॉइंट था हमारा कि व्यक्ति को कैसा जीवन जीना चाहिए। तीन पॉइंट हमने पूरे कर लिए थे, और आज का हमारा चौथा पॉइंट है कि क्या समस्याएं हैं एवं उनका क्या निवारण है। मैं आपको पहले बता दूँ कि ये क्लास बीएड फर्स्ट ईयर वालों के लिए है, और हमारा विषय है भाषा से परे पाठ्यक्रम। क्या समस्याएं हैं व्यक्ति के जीवन में, और जीवन के साथ साथ में उसके समाज में कौन कौन सी समस्याएं जुड़ी हुई है, कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न है, और उनका निवारण कैसे करना चाहिए। प्रत्येक मानव के जीवन में कुछ ना कुछ समस्याएं जरूर होती है। कुछ समस्याएं बड़ी होती है तो कुछ समस्याएं छोटी होती है। कुछ का निवारण वो स्वयं के द्वारा कर सकता है आसानी से, तो कुछ का निवारण वो स्वयं के द्वारा आसानी से नहीं कर पाता। लेकिन समस्याएं तो होती ही है, ये मानव के जीवन में होती है, और मानव के जीवन के साथ साथ में ये समाज में भी होती है। मानव कुछ ना कुछ क्रियाकलाप करता ही रहता है अपने जीवन में उन समस्याओं को दूर करने के लिए। वो कभी किसी से पूछता है, तो कभी वो स्वयं के मस्तिष्क के द्वारा सोचकर उन समस्याओं का निवारण करता है। काफ़ी हद तक शायद वो सफल भी हो जाता है। लेकिन कुछ समस्याएं ऐसी होती है जो कि समाज में होती है, जिनका निवारण केवल एक मनुष्य या फिर एक मानव द्वारा नहीं होता। इन निवारण के लिए उसको एक ऐसे शख्स की ज़रूरत होती है जो कि समाज में एक भावी भविष्य के तौर पर एक व्यक्ति बनकर उभरे, और वो कौन है? शिक्षक। शिक्षक एक ऐसा प्राणी है हमारे समाज के अंतर्गत जिसके पास में हर प्रकार का ज्ञान है, और वो अपने ज्ञान रूपी अंधकार से समाज, अपने ज्ञान रूपी रोशनी से समाज के अंतर्गत जितनी भी बुराइयां फैली हुई है, जितने भी अंधकार फैले हुए हैं, उन सबको शिक्षक द्वारा दूर किया जा सकता है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि शिक्षक समस्याओं का निवारण कर सकता है, समस्याएं जो कि उत्पन्न है। और यदि समाज के सारे नागरिक, सारे के सारे मनुष्य अगर सही दिशा निर्देश कार्य करेंगे जो कि समाज के हित में है, तो सारी की सारी समस्याएं स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। ये उनको हम पांच भागों में बांट सकते हैं। समस्याओं के पांच रूप बता सकते हैं हम यहाँ पे। पहला है समाज में ऊंच नीच एवं जाति पाति का भेदभाव। पहली समस्या है समाज में जो भी ऊंच नीच और जाति पाति का जो भेदभाव उत्पन्न है, उसको, वो भी एक समस्या है हमारे समाज में। दूसरा है पूंजीपति एवं श्रमिक वर्ग। समाज में वर्तमान में दो वर्ग बन चुके हैं, पहला है पूंजीपति और दूसरा है श्रमिक वर्ग। तीसरा जो कि आज भी विद्यमान है, बाल विवाह और दहेज प्रथा। ये दोनों प्रथाएं, बाल विवाह, दहेज प्रथा, ये हमारे वर्तमान में समाज के लिए बहुत ही बड़ा अभिशाप है। काफ़ी हद तक शायद इसको कम करने का प्रयास सरकार द्वारा किया जा रहा है, लेकिन ये आज भी वर्तमान समय में कहीं ना कहीं जरूर मौजूद है। तीसरा है धर्म के नाम पर बंटवारा। धर्म के नाम पर बंटवारा, समाज धर्म के नाम पर दो दो हिस्सों में बंट चुका है। हम जानते ही है कि हम चाहे कितना भी किताबों में पढ़ ले, कितना भी हमें दूसरों द्वारा ज्ञान कोई भी कितना भी दे दे कि हम सब एक है, आखिर में तो हमारे मन में ऐसी भावना आ ही जाती है, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो, धर्म के नाम पर हम अलग अलग बट ही जाते हैं। और पांचवा पॉइंट है हमारा न्यायिक व्यवस्था की स्थिति शोचनीय। ये हमारी पांचवी समस्या है समाज के अंतर्गत कि न्यायिक व्यवस्था फिलहाल वर्तमान में कैसी है, और न्यायिक व्यवस्था से किस तरह की समस्याएं उत्पन्न होती हैं, वो हम आगे हमारे निवारण के अंतर्गत पढ़ेंगे। हमने अभी पांच समस्याएं पढ़ी हैं, ठीक है, उन पांचों समस्याएं जो कि समाज, वर्तमान समाज में विद्यमान है, इन पांचों समस्याओं का निवारण क्यों जरूरी है। इन पांचों समस्याओं का निवारण इसलिए जरूरी है क्योंकि आने वाली पीढ़ी इन समस्याओं को अपने मन में ना ला सके, और इन समस्याओं को लेकर वो आगे अपना भविष्य ना बना सके। इन समस्याओं का निवारण हम फिलहाल किसको मान सकते हैं? शिक्षक।
यहाँ पर शिक्षक हमारे लिए हीरो का काम कर रहा है, जो कि समस्याओं का समाधान करने में समाज की मदद करेगा। शिक्षक, क्योंकि वर्तमान समय में समस्या इतनी फैल चुकी है कि एक एक के पास में जाकर या फिर उनके जो कि बुजुर्ग लोग हैं उनके दिमाग में पहले से ही चीजें बैठ चुकी है, सारी चीजें ऊंच नीच, क्योंकि परिवार में ही सारी चीजें बच्चे को बताई जाती है कि हम इस जात के हैं, वो उस जात का है, तुम्हें उसके साथ में बैठना नहीं है, उसके साथ में खाना नहीं खाना। ये सारी चीजें केवल केवल परिवार ही बच्चे को बताता है, तभी उसके मन में ये सारी चीजें घर कर जाती है। तो क्योंकि शिक्षक एक हम कह सकते हैं कि भगवान का रूप होता है, जो इन समस्याओं को निवारण में सबका सबकी मदद करता है। जब बालक विद्यालय में जाता है, क्योंकि बालक एक नई पीढ़ी है जो जो कि कल के भविष्य की नींव रखेगी, तो नई पीढ़ी से ही आने वाली जो नई पीढ़ी है वो बड़ी होगी, फिर जब वो पीढ़ी बड़ी होगी तब दूसरी नई पीढ़ी आएगी, तो ये बड़ी पीढ़ी ही उस नई पीढ़ी को बताएगी कि क्या समस्याएं हैं और उनको क्या कैसे दूर करना है। जब समस्या ही बच्चे को पढ़ाई नहीं जाएगी, जब जो भी ऊंच नीच जाति पाति धर्म से संबंधित वगैरह जो भी दहेज पड़ता बाल विवाह जितनी भी बुराइयां फैली हुई है, जब ये बच्चा देखेगा ही नहीं, जब इस चीजें होगी ही नहीं, तो ये चीजें स्वतः ही खत्म हो जाएगी। तो हम बालों को बोल सकते हैं दहेज प्रथा के लिए, हम विद्यालय के अंतर्गत ऐसी समय समय पर ऐसे कार्यक्रम संचालित कर सकते हैं जिससे कि दहेज प्रथा और बाल विवाह के दुष्परिणामों को हम बता सकते हैं। हम समाज के अंतर्गत ऐसे छोटे मोटे आयोजन कर सकते हैं कार्यक्रम का, जिसके अंतर्गत हम ग्रामीण परिवेश में रहने वाले लोगों को एवं समाज में रहने वाले लोगों को बता सकते हैं कि बाल विवाह और दहेज प्रथा के क्या दुष्परिणाम निकल सकते हैं। तो इससे भावी पीढ़ी के मन में और जो पीढ़ी अभी चल रही है वो इन सारे दुष्परिणामों के को जान सकेगी और इनके निवारण का उपाय समझ सकेगी। दूसरा पॉइंट था हमारा जाति पाति और ऊंच नीच का। जाति पाति और ऊंच नीच, जाति हम इस जात के हैं, वो उस जात का है, ये हमें बचपन से ही सिखाया जाता है। ठीक है, जाति यहाँ पर थोड़ी सी जरूरी भी हो जाती है वर्तमान समय में, लेकिन ये हमारे समाज में कितनी जरूरी है, ये हमारे समाज में बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। मानव की क्या जाति है, वो कौन से वर्ग से आता है, वो कौन से समाज से संबंधित है, ये जरूरी नहीं है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही बात जरूरी है, वो है मानवता। अगर आपकी मानवता के अंतर्गत दया है, प्रेम है, करुणा है, तो आप सारी जात पात सारे धर्म समाज से परे हैं, और ये केवल और केवल बालक के मन में और समाज के अंतर्गत कौन डाल सकता है, शिक्षक ही डाल सकता है। अगला पॉइंट है हमारा न्यायिक व्यवस्था। न्यायिक व्यवस्था फिलहाल इतनी कठोर नहीं है, न्यायिक व्यवस्था की प्रक्रिया इतनी ज्यादा धीमी गति से चल रही है कि जो जिसको सच में न्याय चाहिए वो तो हार कर बैठ जाता है, और जो दोषी होता है उसकी हिम्मत और बढ़ती है, क्योंकि उसको समय पर न्याय नहीं मिल पाता और दोषी की हिम्मत और ज्यादा बढ़ती है। तो यहाँ पर हमें जरूरी है कि न्याय व्यवस्था में सुधार किया जाना चाहिए, इसलिए शिक्षक को समाज में ऐसे ऐसे सुझाव देने चाहिए जिससे कि न्याय प्रक्रिया में परिवर्तन हो सके। हमारा अगला पॉइंट है धर्म के नाम पर बंटवारा। समाज में अलग अलग तरह के वर्ग हैं, अलग अलग तरह के धर्म विद्यमान हैं। अब यहाँ पर क्या हो जाता है कि हम इस धर्म के हैं, हमारा धर्म ऊंचा है, तुम इस धर्म के हो, तुम्हारा धर्म ऊंचा है। कोई भी धर्म इतना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। मुसीबत के समय हम सब एक है। अभी वर्तमान में हम देख सकते हैं कोरोना जिस तरीके से फैल रहा है, COVID-19, ठीक है, वो किसी भी एक धर्म विशेष के पास में नहीं गया कि आप इस धर्म के हो तो मैं आपको होऊंगा, या फिर आप उस धर्म के हो तो मैं आपके पास में आऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो सभी को हो रहा है धीरे धीरे। किस वजह से हो रहा है, क्योंकि हम उस चीज का ध्यान नहीं रख पा रहे, इसलिए। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जब मुसीबत आती है ना, तो कोई भी धर्म वगैरह चीजें नहीं होती, हम सब एक हैं, हमारा एक ही धर्म है, वो है सिर्फ और सिर्फ मानवता और हमारे समाज की, हमारे राष्ट्र का कल्याण करना। और ये सारी की सारी चीजें किसके द्वारा संभव की जा सकती है, केवल और केवल शिक्षक के द्वारा, जो वो बालों को बताएगा, जो वो समाज में बताएगा। हमारा अगला पॉइंट है पूंजीवादी और श्रमिक वर्ग। समाज के अंतर्गत दो वर्ग बन चुके हैं, अमीर और अमीर होता जा रहा है और गरीब और ज्यादा गरीब होता जा रहा है, अमीर वर्ग और श्रमिक वर्ग यानी कि गरीब वर्ग।
तो इसमें हम सामंजस्य नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि हम किसी की संपत्ति छीन कर गरीबों को नहीं बांट सकते। इसमें हम इतना सा संदेश बता सकते हैं कि जो भी धनी लोग हैं, जो सक्षम है, वो गरीबों की सहायता करें, गरीबों की मदद करें, ताकि ये जो समाज में ये ऊंच नीचता आ गई है, जो गरीब बहुत ज्यादा नीचे चला गया है, अमीर बहुत ज्यादा ऊपर हो गया है, तो इस समाज के अंतर्गत समानता आ सके और हम सब एक है, इसका ये सारी बात हम समाज में बता सके। तो ये छोटी सी क्लास थी हमारी, मैं आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा, और आगे की क्लास हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। नमस्ते।